सिवनी जनपद पंचायत की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कानीवाड़ा में जनपद सदस्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको हम बता दें कि कानीवाड़ा ग्राम पंचायत में अभी 2,83,000 की विकास कार्य हुए हैं। इन विकास कार्य में सीसी रोड से लेकर बाउंड्री वॉल सम्मिलित हैं, जिस पर कानीवाड़ा जनपद सदस्य राजू जैन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि इन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। जनपद सदस्य द्वारा यहां जांच करने की मांग की जा रही है, तो वहीं सरपंच द्वारा जांच को प्रभावित कर जांच में टालमटोली की जा रही है। कानीवाड़ा सरपंच लक्ष्मी नारायण ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि लगातार जनपद सदस्य राजू जैन द्वारा उनको कई माह से परेशान कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी कई बार उन्होंने जाँच करवाई है, लेकिन भ्रष्टाचार वह सिद्ध नहीं करवा पाए हैं। उस विकास को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस बात को लेकर मैं जनपद में, जिला पंचायत में, कलेक्टर में, कमिश्नर में सब जगह लिखित शिकायत दे चुका हूं, और जांच के नाम में कुछ बातें सामने नहीं आ पा रही। जिस बिंदु मैंने जांच के लिए दिया गया है, उन बिंदु में जांच होना चाहिए, और जांच के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा। ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसी चीज़ को लेकर मैं आप सबके सामने, चौथे स्तंभ के सामने हूँ। गलत बात कर रहे हो, उसमें यह है कि पूर्व में ये भाजपा में जब तक थे, जब तक सरकार रही, जब उनको एहसास हुआ कि सरकार चेंज हो रही है, चलते चुनाव के 3-4 दिन पर इन्हें कांग्रेस में आ गए। कानीवाड़ा ग्राम पंचायत को स्मार्ट विलेज में लिया गया है। इसमें कानीवाड़ा की जो पंच परिदर्श की राशि लगभग 1 करोड़ के आसपास है, बाकी 1,61,000 की राशि जो है स्मार्ट विलेज की है। कानीवाड़ा में जो भी काम हुए पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से काम किए गए। जहाँ तक राजू जैन का मामला है, तो विगत 4-5 वर्ष में राजू जैन को कानीवाड़ा का एक भी भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। अचानक 1-2 महीने पहले कानीवाड़ा में उनको कौन सा भ्रष्टाचार नजर आ गया, जो आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कानीवाड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जबकि राजू जैन ने स्वयं पुरानी ग्राम पंचायत और न्यायालय, जो पहले न्यायालय लगता था, ग्राम न्यायालय, उस पर अवैध रूप से कब्जा कराया। मैंने राजू जैन को बार बार नोटिस पहुँचाया, लेकिन नोटिस लेने से मना कर दिया।